कि राजा सरियाती की लड़की सुकन्या हुई जिसकी उम्र थी 12 साल। राजा सरियाती कौन था? राजा सरियाती एक चकवा था और चकवे इस हिंदुस्तान में 6 हुए। पहला चकवा हुआ चकवे बैन मानधाता, दूसरा चकवा हुआ राजा शिवी जिसने कबूतर के बदले में अपना मांस दिया, तीसरा चकवा होया राजा नहुस जिसने ऋषियों की पालकी की सवारी करी, चौथा चकवा हुआ सतयुग में राजा सगड़, और पांचवा चकवा राजा सगड़ का पोता अंशुमान, और छठा चकवा हुआ राजा सरियाती जो अवधपुरी का राजा था। राजा सरियाती की लड़की हुई 12 साल उसकी उम्र। अनजाने में एक ऋषि तपस्या में बैठा उसकी आंख फोड़ देती है। जब आंख फूटी तो उस ऋषि का नाम था चमन ऋषि। 6 माह के श्राप दे दिया, राजा के परिवार में कोड लग गया। 4-5 दिन बीतते तो पता चला कि इस लड़की ने खोट कराया। एक ऋषि की आत्मा दुखाई है, उस लड़की को लेकर के उसकी माँ और राजा और प्रजा साथ में, सेना साथ में, और ऋषि की कुटिया में चले जाते। ऋषि से दंडवत प्रणाम किया। ऋषि पहले 6 माह भरया पठ्या, इव जिसकी आंख्या में सूर चब हो राखी और तपस्या भंग कर राखी हो जाते आशीर्वाद थोड़ा ही देगा। जाते ठोकर मारी राजा सरियाती के, ल महाराज हम तो आपको दंडवत प्रणाम करने के लिए आए हैं, आपने ठोकर किस तरह मार दी। मिले आपकी लड़की ने मेरी आंख फोड़ी के तो यो दंड भुगतना पड़ेगा, ना तो न्यू कोड में रहोगे। लोगो दंड सुनाता है चमन ऋषि राजा सरियाती के सामने। ये चमन ऋषि और सुकन्या का किस्सा सारा एक तरफ, और यो भजन एक तरफ। वो दंड सुनाता है, इस भजन के माध्यम से बताया कि एक 12 साल की लड़की और 88 साल के बुढ़े आंधे और मुड्ढे चमन ऋषि के ब्याहनी पड़ी राजा ने, के कारण था उसका, क्या बताया और क्या कहा। तेरे इब कर दे हवाले मेरे, एक कोड़ ने सुकन्या खड़ी रे, एक कोड़ ने राजा सरियाती। आंख तो फूट गई थी लोगो, लेकिन अंतरात्मा से आंगली कर दी सुकन्या का नी। नुगले या 12 साल रही घर तेरे, राजा को कहा इब कर दे वाले मेरे। राजा ने सोचा छोरी बना कर रखेगा। नुगले महाराज क्यों कर दूं, ईसा के खोट हो गया, क्योंकि आंधा कर गी या तेरी सुकन्या, यो दोष चढ़ेगा तेरे। अंधा कर दिया तेरी सुकन्या, दो धर्म जान के लगा समाधि, धर्म जान के लगा समाधि, के सत के बिरवे बोऊंगा, सूल चबो के मेरी आंख फोड़ दी, के बैठ कुटी में रोऊंगा, कान खोल के सुन ले राजा, न झूठे झगड़े जोऊंगा, या तेरी सुकन्या गेरे।
हमारे नवरत्न सहज मलिक की दादी जी, हमारी माता श्री के समान कमलेश देवी जी अपने पोते रतन की प्राप्ति की खुशी में 501 रुपए से अपने बेटे की हौसला बजाई करती हैं। कमलेश देवी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मन के बेरा था नू बन जाई के बेरा था मेरा खो के खेल चाल जागी या 5-7 सखियान ले करड़ाई गल चाल जागी या पछले जन्म की पैरण थी पन पैनी सेल चाल जागी या तेरी सुकन्या ब्यागे मेरे अगत बेल चाल जागी अरे बिनो बेटे मेरी मुक्ति हो ना अरे जंगा बिन फेर आदरणीय जो दिन रात संस्कृति के काम में लगे रहते हैं, हमारे हरियाणा के बहुत अच्छे कवि हुए चौधरी मेहर सिंह सांस्कृतिक मंच की तरफ से मेरे बड़े भाई राकेश कबलाना जी 100 रुपए से मान सम्मान बार बार धन्यवाद। मेरे भाई ने क्या 1 रुपए से मान सम्मान किया, इनका भी धन्यवाद। तीसरी कली में कि महाराज ब्याह क्यों कराना चाहो है, इसकी उम्र 12 साल की, आपकी उम्र 88 साल की, आपको शर्म आनी चाहिए। लरम मैं ब्याह नू कराना चाहूं, क्यों क्या कहा। मैं 75 में नाया करूं था, 75 में नाया कौन नुहा कल्यावेगा फल उर पात बन के खाऊं, मन कौन खुआ कल्यावेगा। 8 समिता कहे यवन की बन में कौन टुआवेगा, और यज्ञ में दूध गऊ का ताजा कौन चुआ कल्यावेगा। मेरे आदरणीय मेरे सम्मान के योग बड़े भाई नाना बोहर गांव से 100 रुपए से मान सम्मान देते बड़े भाई का बार बार धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग एनके स्टूडियो भिवानी और मलिक स्टूडियो बड़ौत और हरियाणा क्लब स्टूडियो वेरी, ये तीनों भाई आज हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए आपके बीच में लगे हुए हैं। तीनों का यहाँ पहुंचने पर बार बार स्वागत, और तीनों भाई 100-100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जब बाबा जी ने चमन ऋषि ने यह बात कही राजा सरयाती को कि इस लड़की का ब्याह मेरे गिला कर दे,
राजा सरियाती छत्तरधारी था, छो उठ गया हर तलवार ठाली। मैं मोडिये जवान संभाल के बात करिए, तेरे शरण तार लूंगा। जब राजा सरियाती ने हमारे मलिक साहब, मलिक स्टूडियो बड़ौत, 100 रुपये और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। जब राजा ने ये कहा कि मैं तलवार तो सर तार लूंगा, मोडे जवान संभाल के बात कर, तेरी उम्र देख कितनी, मेरी छोरी की कितनी है। बाबा जी ने बोला कदे ईसा कुसा मोडा ला रहा हूं मने, कदे नू मानता हो टेसन बसोनिया में है। जब इतनी बात कही तो राजा सरियाती की आंख खुल गई। मतलब फिर आप कौन हो? चमन ऋषि ना आखिरी में अपनी प्रणाली बताई, मैं कौन हूं, क्या कहा। मेरे भाई सोनू, हरियाणा क्लब यूट्यूब चैनल बेरी से 100 रुपये समान समान, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद गुरु का चेला, सू लक्ष्मी चंद गुरु का चेला, न कतिया लाया हालूंगा, मांगे राम पैज का पूरा, मैं अड़े मरण की सलूंगा, ब्रह्मा जी का पोता सुना, सांस भर के गालूंगा, मैं अंधा मरस रहूं जंगल में।